5-10 डिपार्टमेंट हैं, 5-10 वैकेंसी हैं, उनसे बच्चे थोड़े थोड़े उलझे हुए हैं। वो 2-4 बच्चे एक दिन अगर मुख्यमंत्री साहब टाइम दें, भाई फलानी तारीख हर मंथ युवाओं के लिए हैं, युवाओं आओ, 5-4 वर्ग हैं बस ऐसे कि एक वो डिपार्टमेंट का आ गया, एक EBPG का आ गया, एक उसका आ गया, एक स्टाफ नर्स का आ गया, 2-4 बच्चे मुख्यमंत्री से 2 मिनट मिलने हैं, उन्होंने 2 मिनट मिले, अपनी समस्याएं बताएं, समस्या अपना मुख्यमंत्री OSD हैं, चीफ सेक्रेटरी हैं, AG साहब, उनसे बैठ कर डिस्कस करें और सॉर्ट आउट करें। मुझे ऐसा लगता है अगर मुख्यमंत्री साहब ऐसा ही काम कर लें दिन में 1 घंटा, क्योंकि हर बच्चे से 2 ही मिनट बात होती है, तो 24 आपका है, अदरवाइज तो हाथ से गया। नहीं मैं नहीं ऐसी बात, वैसे इसमें विचार करने में समस्या है। हाँ ये विचार हो सकता है, लेकिन मुख्यमंत्री जी सप्ताह में एक दिन 10,000 से 20,000 25,000 लोगों से वो जो है ना डायरेक्ट बातचीत करते हैं, एक सिर्फ युवाओं के रोजगार के लिए। सुन मैं हो जाएगा जी। अब की बार ये बताया कि पन्ना प्रमुख और डीप रिसर्च के आधार पर बनाई गई है, वो जो एक पन्ना है जिसके 2 PH होते हैं उसको हमने पन्ना माना है, ठीक है जी। तो पन्ना प्रमुख हमने बनाए हैं पूरे प्रदेश में, और पूरे 90 विधानसभा क्षेत्रों में लगभग 67 विधानसभा क्षेत्रों के पन्ना प्रमुख सम्मेलन हो चुके हैं। कांग्रेस की कुछ ज़्यादा यूँ दिखाने लग रहा है भाई, कांग्रेस अब की बार आओगी, लेकिन मैं पूछूं जब कांग्रेस यहाँ सही कि आपका MP कौन है, MP ने छोड़ मारा विधायक जीतेगा। नहीं ऐसा कुछ नहीं, कांग्रेस तो अपने आप में ही लड़ झगड़ रही है, उनका भी तो इनके जिले भी गठित हुए हैं, और जहाँ जहाँ ये जा रहे हैं जी वहाँ लात गुस्से का प्रसाद जो है ना बट रहा है। मुख्यमंत्री जी प्रॉपर युवाओं के लिए संज्ञान क्यों नहीं ले रहे हैं? मैं कह सकता हूँ हरियाणा में एकमात्र मनोहर लाल जी ऐसे मुख्यमंत्री साबित हुए हैं जो युवाओं की मतलब उनके नौकरी के लिए, उनके रोजगार के लिए संज्ञान लेते हैं। तो सारे भाई ना भाई मेरी राम राम, मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप चेसर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। भाई इस टाइम मैं कुरुक्षेत्र से लाडवा, लाडवा से बबैंड, बबैंड से संघोर, संघोर एक गांव है, लगभग 2,500 वोट हैं, यहाँ पर आया हूँ। और आया तो खैर मैं, कोई मेरा पर्सनल काम था, लेकिन हमारे नेताजी, क्योंकि इलेक्शन आ गया ना, हमारे पवन सैनी जी अब इस गाँव के दौरे पर हैं, भाजपा प्रदेश महामंत्री। सर नमस्कार। नमस्कार भाई जगदीप को, और आपके चैनल स्टेप जे सर के सभी दर्शकों को मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। सर वैसे तो सभी गांवों के नाम अजीब से हुए, लेकिन हर गांव के नाम की एक विशेषता हो, जो संघोर नाम है इसकी क्या विशेषता है? देखिए ये गांव संघोर जो है सरस्वती नदी के किनारे पे है जी, और यहाँ पर श्रृंग ऋषि जी उन्होंने बहुत तपस्या की, उन्हीं के नाम से इनका नाम, इस गाँव का नाम संघोर पड़ा है। ओके तो भाई आपने संघोर की तो पता लग गई। आजकल ये दौरे किस गए, इलेक्शन तो है मान लिया, लेकिन दौरे तो लगने चाहिए जो कर MP के दौरे लगने चाहिए, विधायकों के दौरे कैसे? देखिए मैं ये पूरा लाडवा विधानसभा से पूरा प्रदेश अपना है जी, लेकिन मैं चुनाव यहाँ से लड़ता हूँ, यहाँ की जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया है, तो मैं रूटीन में सब गाँव में जाता रहता हूँ किसी न किसी हेतु को लेकर के। जैसे जब बरसात हुई पिछले दिनों, तो बरसात के दिनों में मैं रेगुलर रहा हूँ, लेकिन बरसात के बाद भी मैं हर गांव में जा कर के आऊँ, बता करके आऊँ भाई इसको क्षतिपूर्ति पोर्टल पे अपलोड कर लें, अपलोड करेंगे तो ही आपकी गिरदावरी करने के लिए आया हूँ, तब भी मैं सारे गांव में जा कर आऊँ। अब जो जो गांव में हमारे जो संगठन की रचना है त्रिदेव की, बूथ का पालक है, बूथ का प्रमुख है, अध्यक्ष बोलते हैं जिसको हम, और बूथ का BL8 हुआ, तो मेरी योजना इन सभी के घर में जा कर के त्रिदेव, हम बोलते हैं त्रिदेव दर्शन करने का मैंने सोचा है, इसलिए आज लगभग 10-12 गांव में हमारे लगभग 14-15 बूथ हैं, उन सभी के जो हमारे त्रिदेव हैं उन सभी के घर में जा कर के मिलने का कार्यक्रम, उस नाते अभी मैं संघोर में हूँ इसलिए मैं आया हूँ। ओके पिछले साल जो पन्ना प्रमुख की एक टीम है आपकी, पन्ना प्रमुख को जमा इंटेलिजेंस है आपकी, पन्ना प्रमुख की जो टीम थी कांग्रेस ने भी ये माना भाई हाँ सच में इन्होंने काम किया है। अब की बार ये बताया कि पन्ना प्रमुख और डीप रिसर्च के आधार पर बनाई गई है, पहले तो पन्ना प्रमुख एक पेज पे एक पन्ना था, अब उस पेज पे भी 2-3 आदमी आपने जोड़ दिए, सच बात है जी? हाँ बिल्कुल सच है, वो जो एक पन्ना है जिसके 2 PH होते हैं उसको हमने पन्ना माना है, ठीक है जी। तो पन्ना प्रमुख हमने बनाए हैं पूरे प्रदेश में, और पूरे 90 विधानसभा क्षेत्रों में लगभग 67 विधानसभा क्षेत्रों के पन्ना प्रमुख सम्मेलन हो चुके हैं,
अभी 20 तारीख को एलनाबाद का ड्यू है जी, और ये 90 के 90 पूरे हो जाएंगे। इसके अगली रचना संगठन की है हमारे बूथ पे पन्ना समिति बनाना, यानी कि एक पन्ने का पन्ना प्रमुख और उस पर 3 से 4 सदस्य, ये पन्ना समिति हो जाएगी। मैंने विधानसभा में लगभग 90% मेरे बन चुके हैं, तो फिर पन्ना प्रमुख सम्मेलन के बाद फिर पन्ना समिति के सम्मेलन हम लोग करेंगे। पन्ना प्रमुख था, पन्ना समिति, मतलब एक पन्ने में कितने पन्ना समिति मेंबर होंगे? यानी कि जैसे अमूमन एक पन्ने पे 60 वोट होती है जी, तो अगर 1000 वोट एक पन्ने पे है तो उसको 60 से डिवाइड कर लो, कितने बनेंगे? 17 पन्ने बनेंगे जी, तो 17 पन्ना प्रमुख हो गए उस पर। ठीक है, हाँ, तो ऐसे ही जो है ना, फिर एक पन्ने पे एक पन्ना प्रमुख और 3 उसके सह प्रमुख समिति जी, वो समिति के सदस्य हो गए। तो ये रचना है, लगभग एक विधानसभा क्षेत्र में 3000 ± पन्ना प्रमुख हैं, और फिर हिसाब लगा लो लगभग 13, 14, 15 पन्ना समिति। एक कंस्टिट्यूएंसी बता रहे हैं आप? हाँ, एक कंस्टिट्यूएंसी बता रहा हूँ। मतलब वैसे तो देखो, मैं भी घूमने लग रहा हूँ, आप भी घूमने लग रहे हो, कांग्रेस की कुछ ज़्यादा यूँ दिखाने लग रहा है, कांग्रेस अब की बार आओगी, लेकिन मैं नू पूछूं, जब कांग्रेस यहाँ सही कि आपका एमपी कौन है? नू का एमपी ना छोड़, मारा विधायक जीतेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कांग्रेस तो अपने आप में ही लड़ झगड़ रही है, उनका भी तो इनके जिले भी गठित नहीं है, और जहाँ जहाँ ये जा रहे हैं जी, वहाँ लात गुस्से का प्रसाद जो है ना बट रहा है। जो ये मोहब्बत की दुकान खोलना चाह रहे थे, उस दुकान से लात गुस्सों का जो है ना प्रसाद बट रहा है आपके सामने है। हरियाणा में कहीं भी दूर दूर तक तो कांग्रेस नहीं है, ना दिल्ली में कहीं कांग्रेस, आगे ना पंजाब में कहीं कांग्रेस है, यूपी में कहीं कांग्रेस नहीं, हरियाणा में भी कहीं कांग्रेस नहीं। फिर से कमल की खेती हरियाणा में लोग करने वाले हैं, और भाजपा की सरकार केंद्र में तो बनेगी ही, सारे सर्वे बोल रहे हैं हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। तीसरी बार कितने प्रतिशत शोर है कि तीसरी बार फिर मुख्यमंत्री मनोहर जी ही हो सकते हैं या बदलाव हो सकता है? देखिए, ये सवाल स्माइल डाउट कर लिए नहीं सर, नहीं, देखो ये हमारा विधायक दल का जो नेता होता है जी, ये विधायक दल और हमारा केंद्रीय नेतृत्व तय करता है, ठीक है ना। मैं तो फिलहाल यही कहूँगा, तीसरी बार भी मनोहर लाल जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। लेकिन आपकी जो स्माइल आई, मुझे यूं अंदाजा लगा, हाँ नहीं, मैं इसलिए हंसा, आपने मेरे से पूछा है कि मैं तो कोई बनाने वाला नहीं हूँ, ना मैं कोई तय करने वाला हूँ, हम तो पार्टी की जय करने वाले हैं। जो भी मनोहर जी हैं तो मनोहर जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। पिछली बार 14 में 47 सीट थी, लगभग 41 सीट हैं, जबकि 75 पार का नारा था, अब की बार तो 75 पार का भी नारा बड़ा डामाडोल हो रहा है, 40-41 सीट 75 पार के नारे में थी। यूं तो लग रहा है कि जैसे कि नेगेटिविटी है समाज के अंदर, मार्केट में जो बच्चे पढ़ने वाले थे आज वो कोर्टों में, हालांकि आपने स्टाफ नर्स का मुद्दा उठाया, 2-3 बच्चों का आपने मुद्दा उठाया, वो सिरे चढ़ा है कहीं ना कहीं, लेकिन अकेले आपके ही उठाने से मेरी मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई थी, मैं बोला मुख्यमंत्री जी आप जनसंवाद कार्यक्रम कर रहे हो, एक हल्के में एक ज़िले में आप 3 दिन लगा रहे हो, महीने में एक दिन जो बच्चे कोर्टों में धक्के खा रहे हैं वैकेंसीज को लेके, एक दिन उनका निकाल लीजिए, लेकिन सलाहकार कौन है? कभी सलाहकार, मीडिया एडवाइज़र हट गया, वो हट गया, समस्याएं कहाँ हैं? मुख्यमंत्री जी प्रॉपर युवाओं के लिए संज्ञान क्यों नहीं ले रहे हैं? देखो, दो बातें इसमें से निकल के आई हैं जी। एक तो मुख्यमंत्री जी के कार्यालय में जो OSDs हैं, बच्चे संतुष्ट नहीं हैं उनसे। सुनो मेरी बात जी, ये माने मुख्यमंत्री जी की अपनी ज्यूरिसडिक्शन है, किसको लगाएं किसको ना लगाएं। दूसरा, अपने युवाओं की बातों को संज्ञान लेने के लिए जी, मैं कह सकता हूँ हरियाणा में एकमात्र मनोहर लाल जी ऐसे मुख्यमंत्री साबित हुए हैं जो युवाओं की, मतलब उनके नौकरी के लिए, उनके रोजगार के लिए संज्ञान लेते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जब गाँव में जो अच्छे कारण से नौजवान लगा है और फ़ोन करके उसको बताया, भाई आपका ये नाम है, ये आपका इस स्थान पर इस डिपार्टमेंट में आपको ज्वाइन करना, युवाओं के लिए है ना, एच के आर में कोई स्टाफ नर्स जो है ना, कोई जो है ना TGT, कोई ऐसे सब लोग लग रहे हैं, कोई ट्यूब ऑपरेटर लग रहे हैं, ये लग रहे हैं, युवा लग रहे हैं। और वैसे भी जितने लगभग 125,000 के करीब, एच के आर से अलग बता रहा हूँ, 125,000 के करीब जो है वैकेंसी भरी है, वो सब युवाओं की तो भरी हैं। तो मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ
के भी युवाओं की तरफ ध्यान दे। नेताजी मैं ये चाह रहा हूँ कि जैसे 5-10 डिपार्टमेंट हैं, 5-10 वैकेंसी हैं, उनसे बच्चे थोड़े थोड़े उलझे हुए हैं, वो 2-4 बच्चे एक दिन अगर मुख्यमंत्री साहब टाइम दें, भाई फलानी तारीख हर मंथ युवाओं के लिए हैं, युवाओं आओ, 5-4 वर्ग हैं बस ऐसे कि एक वो डिपार्टमेंट का आ गया, एक EBP जी का आ गया, एक उसका आ गया, एक स्टाफ नर्स का आ गया, 2-4 बच्चे मुख्यमंत्री से 2 मिनट मिलने हैं, उन्होंने 2 मिनट मिले, अपनी समस्याएं बताएं, समस्या अपना मुख्यमंत्री OSD हैं, चीफ सेक्रेटरी हैं, AG साहब, उनसे बैठ कर डिस्कस करें और सॉर्ट आउट करें। मुझे ऐसा लगता है अगर मुख्यमंत्री साहब ऐसा ही काम कर लें दिन में 1 घंटा, क्योंकि हर बच्चे से 2 ही मिनट बात होती है, तो 24 आपका है, अदरवाइज तो हाथ से गया। नहीं ऐसी बात, वैसे इसमें विचार करने में समस्या है। हाँ, ये विचार हो सकता है, लेकिन मुख्यमंत्री जी सप्ताह में एक दिन 10,000 से 20,000, 25,000 लोगों से वो जो है ना डायरेक्ट बातचीत करते हैं, एक सिर्फ युवाओं के रोजगार के लिए। सुन मैं हो जाएगा जी। सभी उस विभाग के लोगों से जो लाभार्थी हैं उनसे बात करते हैं, ये बहुत, मैं पहली बार ऐसे मुख्यमंत्री को देख रहा हूँ, उनसे डायरेक्ट बातचीत होती है, क्या समस्याएं आ रही हैं, तुरंत डिप्टी कमिश्नर से, संबंधित अधिकारी से उसका फ़ोन नंबर लेकर के उसका समस्या का समाधान करते हैं जी, ठीक है ना। तो ये पहली बार ऐसा कोई मुख्यमंत्री है जो 20-25,000 लोगों से बात करते हैं। और रही बात आपकी जो जो मामले हैं, दरअसल वो कोर्ट में लंबित हैं अभी जो लेकिन युवा चाहते हैं उनकी संतुष्ट हो जाए मुख्यमंत्री साहब से बात। देखिए सर, दरअसल पता क्या बात है, अगर CM साहब की कोर्ट में मामला है तो उसमें देर लगती नहीं, ये है दूसरी जो कोर्ट है। हाँ, लेकिन उसमें समस्या ये है, बच्चे ये चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री साहब बैठे हों, AG साहब बैठे हों, चीफ सेक्रेटरी बैठे हों, वो समस्याएं बता दें कहाँ क्या अटका है, बच्चे संतुष्ट अपने घर, होती होगी बात कहीं ना कहीं। अब जैसे नहीं बिल्कुल, वो SD साहब से मिल के आ जाते हैं, वो बात मिट्टी धूल लग जाती है उन बातों। नहीं, हमारे जवाहर जी हैं वहाँ, RPS हैं, अभिमन्यु जी, भूपेश्वर, सारे ठीक लोग हैं, अच्छे लोग, बातचीत करते हैं। मैं भी किसी को भेजता हूँ उसको संतुष्ट करके भेजते हूँ। आपसे जवाहर यादव से संतुष्ट है? मैं सब और से संतुष्ट नहीं है लोग। नहीं, देखो उनका व्यक्तिगत मामला हो सकता है, लेकिन मेरे लिए अच्छे हैं भाई मेरे वो जी, और मैंने जो भी आज तक भेजा है उनके पास वो हमेशा संतुष्ट होकर के आए हैं। जहाँ पर्टिकुलर जो है ना, आपने जो बात की है, जो इस प्रकार के लंबित मामले हैं कोर्ट के कारण युवाओं को परेशानी आ रही है जी, इसको भी एक अभियान लेकर के CM साहब को निपटाने का काम करना चाहिए, और उससे क्योंकि वो जो परेशानी है उनकी, जैसे कई जगह ऐसे, एक मेरे ध्यान में कौन सा शायद TGD का मामला है कोई किसी सब्जेक्ट का, वो 8 लोग थे, उनमें एक की तो डेथ हो गई है, 7 लोग सारे हैं जी। तो ऐसे कोर्ट में लंबित हैं, तो जहाँ सरकार के बिहाफ पे अगर कोई मामला निपटता है जी, तो मुख्यमंत्री जी हमारे बड़े गंभीर हैं ना मामलों में, अगर उनकी बातों को संज्ञान में ले लेंगे। एक बार जो बलदेव राज महाजन जी से हमारे एडवोकेट जनरल हैं, तो वो जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएंगे। लेकिन अब तक जो भी हुए हैं, मैंने जो भी भेजा है मुख्यमंत्री जी ने, उनके OSD जो भी बात करते संतुष्ट करके भेजते हैं। अभी जो मामला स्टाफ नर्स वाला भी है, वो भी पर बातचीत की, सारे मुख्यमंत्री जी के भी हाथ पे ही होते हैं, पवन सैनी के भी हाथ पे नहीं होते, ऐसा मत करना। लेकिन फिर भी बच्चे यूं संतुष्ट है भाई, हाँ पवन सैनी जी से मिले थे, स्टाफ नर्स के जैसे बच्चे, तो हमारा मैं इन बातों को नहीं मानता, ठीक है ना, आप मित्रता के नाते मुझे नहीं, बच्चे मेरी आपसे बात हुई, बच्चों से बात हुई, फिर बच्चे आपसे मिल के गए, उनके मेरे पास फोन आए, संतुष्ट नहीं, वो मेरा व्यवहार है। लेकिन ये जब हो रहा है ना, जैसे बोलते हैं ना, सब कुछ भगवान कृष्ण की वजह से हो रहा है, ये होता माने मुख्यमंत्री जी की वजह से, मुरली मनोहर हमारे मनोहर मान लिया। हाँ, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ ऐसा, मैं बीच में मतलब कड़ी हो सकता हूँ, मान ले अपने पास नौजवान आते हैं, युवा आते हैं, मैं बात रखता हूँ, लेकिन सब जो है ना माने मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से होता है। और ये स्टाफ नर्सों वाला भी, वो अभी कोर्ट में सुन रहे हैं कि परमिशन के लिए बात कर रहे हैं जी। लेकिन बड़े, मैं कह सकता हूँ बड़े पॉजिटिव माने मुख्यमंत्री जी हैं। ये जो आपने सुझाव कहा है भी, जो कोर्ट के लंबित हैं कितनी संख्या है, अगर वो अपने बिहाफ पे सॉल्व होते हैं तो बच्चों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी और एक अच्छा रोजगार मिलकर उनका घर बसने का काम होगा। अच्छा, अब जब आप पूरा दौरा कर रहे हैं अपनी कंस्टिट्यूएंसी का, समस्याएं क्या क्या आ रही हैं, आप लोगों से मिल रहे हैं, आमजन से, आप उस कॉलोनी में थे, मैं गया तो वहाँ पे आप तो गाड़ी लेकर निकल चुके थे, कुछ लोग मिले, मैं बोले जी हमारी कॉलोनी इन्होंने पक्की कराई थी, मैं आपका विधायक कौन है, उन्होंने फिर बताया जी हमारा विधायक कांग्रेस का है, मैं कांग्रेस का विधायक है, कॉलोनी आपने पक्की करवाई, वो
तो यूं बोले हाँ जी उन्होंने पक्की करवाया। अब और समस्या क्या रही है, वो कॉलोनी तो आपने पक्की करवा दी। देखो वास्तव में पीछे पैसा दिया मेरे, अगर मैं दो तीन बात कहूँ आपको विधानसभा के अंदर सभी समस्याएं समाप्त करके, एक दो है जैसे बाईपास लाडवा में बने, लाडवा का हॉस्पिटल बड़ा बने, बैंड के अंदर कोई गर्ल्स कॉलेज बने, ऐसे इक्के दुक्के जो बड़े काम हैं। अदरवाइज गांव के अंदर मैं डंके की चोट पे कह सकता हूँ गांव में कहीं भी कोई काम पेंडिंग नहीं। हाँ पिछले 8-10 साल पहले जैसे मैंने पैसे लगे उस समय गली ठीक थी, वो थोड़ी बहुत ख़राब हो सकती है, अदरवाइज कोई समस्या नहीं है। बिजली 24 घंटे चल रही है, किसानों को वाजिब दाम मिल रहे हैं, और जो है ना भावांतर भरपाई योजना के तहत जो है ना उसके पैसे मिल रहे हैं, इनके लोग सभी खुश हैं। अभी मुआवजा जो है उनको सही समय में मिल रहा है, नहीं तो साल से दो दो साल बाद मुआवजा मिलता था, 3 रुपये 45 रुपये 150 रुपये ऐसे मुआवजा आता था, ये सच मैं बता रहा हूँ। सब खुश हैं, ये तो केवल विपक्षी पार्टियाँ वैसे झूठ तूफान बोल रही हैं। बीजेपी का वोटर, बीजेपी का मतदाता साइलेंट है, वो उच्छृंखलता उसके अंदर नहीं है, वो सहज सरल स्वभाव का है, वो मौके पे वोट देता है। इसलिए हरियाणा के अंदर सरकार फिर से बनेगी, और जहाँ कॉलोनी की बात है और गांव संघोर की बात है, लगभग मेरे विधानसभा क्षेत्र में मैं पहले प्लान से मेरी 14 से वोट ज़्यादा है। ओके लेकिन सीधा मुकाबला रहा इंडियन नेशनल लोकदल जो 40,000 वोट लेके गए थे पिछली बार, वो केवल 14-15 पे रह गए। एक राजकुमार सैनी था हमारे यहाँ, वो नया फिलोसफी लेकर आए थे, और फिलोसफी लेकर आ रहे हैं जी, समाज असामाजिक मैं कह सकता हूँ उनको, उनका अपना मत है लेकिन वो पार्टी की तरफ से सांसद रहे हैं, उन्होंने अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया, तो वोट थोड़ा डिवीज़न तो होता ही है ना, लेकिन मेरे हलके ने मुझे बहुत प्यार दिया, मैं हमेशा इनको नमन करता हूँ, और भविष्य में फिर अपने बेटे को भाई को आशीर्वाद दे करके अपने हलके की सेवा करने का मुझे अवसर देना। बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद आपका। तो भाई जो सवाल हो सकते हैं रोजगारों के लिए, भाइयों के लिए, वो तो मैंने कर लिए, बाकी कंस्टिट्यूएंसी घूमते रहेंगे, आप अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद भारत माता की, थैंक यू भाई।